तो आप समझो शेर खान की बात होती खेत में सो मतलब सोमति का सब तोड़ रहा है यदि उसकी उनकी बात लगी हुई है साफ सिंह तो याद मन मरी मिलना तो बहुत मुश्किल है उसके बगैर तो अपने पक्षी पर नहीं मार सकता छतरानी के बारे में। हाँ ठीक है मैं तेरे पास कोई सबूत कोई निशानी ऐसी आ जाऊंगी जिससे तेरी जीत हो। अब बुढ़िया काम तो उसका नाश कर रहा था लेकिन सोमवती के पास पहुंचती है कि बुआ बोल के कैसे पहुंचे क्या बात है और तो पर क्या मैं तैयार हूँ अब कहाँ तैयारी करके मैं मंत्री खड़ा हूँ यहाँ हमारी बात सुनो आपको बताने में कौन हूँ यू की ठहरी थी तू ये हमारा बैग है मैं सोचा बड़ा की मूंगफली बेचना नहीं आएगी ये पता नहीं मैं कौन हूँ कौन है मैं साफ सिंह बुआ बुआ हाँ उसके कोई बुआ हुआ है नहीं है क्यों नहीं मैं घर में गोल्डन टीम से ड्यूटी करता हूँ यहाँ देखो मैं खानदानी उसका चपरासी कम से कम मैं तो 20 साल में आई हूँ 20 साल में हाँ उसकी रानी से पूछो उम्र पर मेरी कितनी थी कब आते शादी है नहीं आप भी डिपेंड नहीं करते जब जब मैं ड्यूटी पे नहीं होता तो क्यों आ गए तू अभी पाए हो अभी देखियो मैं हाँ जब पता नहीं क्यों कह रही है मैं चाप सिंह की बुआ हूँ कौन है पता नहीं कौन है श्याम सिकल सिकल व्यक्ति भी कोई बुढ़िया सी है चलो मैं तो कोई कंगनी बिहार अरे बहू आप क्या करती हो मैं सब कहती हूँ मेरे धक्के मारती हो चाप सिंह ने पता लग गया ना अक्टरी बुआ आई थी और उसके धक्के लगे तो तेरी गर्दन काट देंगे महाराज तो इनकार करके गए थे क्या बुआ नहीं है नहीं नहीं है हमारी बात सुनो बेटी उसे कोई बताने में कसर रही बता नहीं पायो इसीलिए वो काम में उलझ गए होंगे मंत्री ये क्या करती है मैं कम से कम 20 साल में आई हूँ मेरा नाम सचिन है नहीं चलो दबा दो इसको क्या दबा दो तो कहती हो तो मेरा कमरन ले लियो उसने जाओ जाओ मंत्री रोने लग गए हमारी बात सुनो जब हमारे माता और पिता जिंदे थे जब हमारी इज्जत थी तुम्हारा राज हो गया अरे क्या राज हो गया कोई नहीं पूछ हम बदल आएगी रच बची गई थोड़ा करता काम करो मैं स्नान करके आता हूँ चलो मैं पानी मालते रहते नहीं नहीं मार नहीं आप बैठो नहीं नहीं आप बैठो नहीं बेटी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मैं आपको नुहाऊंगी चलो नहीं आप नहीं 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 क्या मेरी बात नहीं मानती आप ठीक है चलो अब सुन लो जब सोमवती छतरानी नहाने लगती है तो सोमवती की बाई जाग में तिल का निशान था आरोज बूढ़ी देख लिया और देख करके वापस आएगी और अगला दिन होया जब चलने की तैयारी करती है और कैसी क्या बात करती है बेटे सोमवती बुआ जी देखो काफी दिन हो गए हैं रहते सकते अब मैं चलने की तैयारी करती हूँ अभी कैसी करती हो बुआ जी मेरी बात सुनो बेटी जो काम आई थी मैं वो तो मैं भूल गई क्या काम आई थी मेरे लड़के की शादी है ये तो बड़ी अच्छी बात है अच्छी बात है और मैं तो सरदार चाप सिंह का पटकर कटार लेने के लिए आई थी पटकर कटार वो दीदी बुआ जी आपको देना पड़ेगा आप कुछ भी मांग सकती हो धन कुछ भी ले सकती हो पटका कटार हमारी बात सुनो अगर आप पटका कटार नहीं दोगी तो मेरे लड़के की शादी नहीं होगी उसके बगैर नहा नहीं सकती खा नहीं सकती पी नहीं सकती देखो हमारी बात सुनो बेटी एक दिन का व्रत भी कर सकती हो कल शादी है मैं परसों सुबह बता दूंगी वो मर जाएगा अच्छा हाँ तो ये तुम्हारे हाथ है कल पहुंचा दूंगी कल पहुंचा दूंगी Thank you.
हाँ बेटी हम ठीक है। हाँ बोलो बताए तो ठीक है। अरे अरे रोज रोज का दिन ईसा कटे से दे फसी के पटंगवा जे उतरा शेख है मुस्ता। मैं आ गई। आप ठीक हो कि मैं ले आई सेवा बाड़ी छोड़ ले नहीं तो बड़ी आ रही है ले आई मैं ये नहीं ये देखो पटका पटका इसको फसी गाल के मर जाऊं क्यों ये सरदार ओए सबूत नहीं है ये कोई सबूत नहीं बाजार से और भी खरीद सकता हूँ मैं। अच्छा ये देखो कटार ये मार के पेट में मर जाऊ नहीं इस पे सरदार चार सिंह का नाम है। अरे बाजार से खरीद के लिखवा सकता हूँ ये कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है दोनों के दोनों बेकार बेकार है। चलो मैं एक सबूत बता हाँ, हाँ, खास बता जोरदार सबके चर्चे सरदार चाप सिंह की घराली है ना जो अच्छा सोमती हाँ उसके भाई जान में दिल का निशान है। अच्छा हाँ पक्का मैं देखकर अभी आई हूँ ठीक है भैया। अच्छा सलाम अलैकुम। ए मेरे को खुश तो कर दे वैसे इधर है मेरे नाम। अच्छा वो तो भूल गया। हाँ तो कितना बढ़िया काम किया ये तो भूल गया ना। हाँ मेरे नाम तो बता बोलो एक काफर को फांसी तोड़ेंगे। हाँ अगर से तेरा प्यारा हाँ चाप सिंह शेर खान मर जाता हाँ तो तू ने बता खुश थी कि नाराज नाराज जब तेरा बेटा मर जाता तो नाराज थी नाराज। अरे तेरा बेटा गया फंस हाँ अरो चाप सिंह फांसी तोड़ा जाएगा खुश मैं खुश 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 और भी ना खुश 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 राम जी की भी खुश करनी होती थी। वाह जी वाह और क्या होता था हम सदरो वहां से फटकार कटार ले ली और जो खास नशाने दिया उन्होंने बात पूछ ली। शेर खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा दरबार में जब चलता है एक राजनी के द्वारा किसी क्या बता रहे। अरे कहाँ गए यहाँ की राजनी आपके बीच में लड़का विशाल सुनाई हेलो अरे सुनिए भाई वो ले गए मैं बड़ा खुश हो गया मैं कैसे चलिया तेरा हरिणी रहूंगा।
चलो कोई बात नहीं, ये सबूत ले आया है, देखते हैं क्या सबूत ले आया। हमें शेर खान, जो तेरी मेरी शर्त लगी थी, लगी थी वो बात याद है? याद है, याद है तो ठीक है, जे मैं तुम आया हूँ, ये दरबार लगा हुआ है क्या भाई? तने ये कहा था कि मैं सोमपति का सब तोड़ दूंगा। अरे मैं यूं भी कहूंगा तुम्हारे घर पर पति मत्था नहीं होती। अरे या भी कहना तुम भाई दुआ के पति मत्था होती नहीं, नहीं होती। हाँ हाँ। तो भाई क्या सबूत है तेरे पास? सबूत दिखाओ, कितना सोमपति का सब तोड़ दिया, दिखाओ। बस सलामत दिखाओ, दिखाओ। लो, टाइम क्यों लगाते हो? लो, ये क्या कटार? देखो क्या चापसी, ये कटार आपकी है? ये कटार मेरी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं इसको सही सबूत नहीं मानता बादशाह साहब। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी कटार बाजार से कोई भी खरीद करके अपना नाम चापसी खुदवा सकता है। अच्छा, इसलिए मैं इसको सबूत नहीं मानता। कोई और सबूत? और लो, ये और लो पटका, ये पटका मेरा है, आपका है, लेकिन मैं इसको सबूत इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानते इसको? कोई बाजार से कोई भी खरीद सकता है। अच्छा, कोई ठोस सबूत नहीं है? कोई ठोस सबूत? कोई और सबूत है? रण दो खान भाई जरा पैसे दबा, मदन राम दरबार पर मदन राम भी करवाओ हो 100 रुपए से। मदन राम जी रात के मांस पर आते हैं, तेज जी शुक्रिया ना, बार बार धन्यवाद। और सबूत दिखाओ। और हाँ, रंग खेत का भी कुछ हो गया हर के कम कर दिया, आवाज बड़ी सी सब जगह बैठ गया, ज्यादा आवाज है। हेलो, इतनी मेरे बातें साल का हो रहे हूँ, आवाज़ इतनी ले रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या जी? अरे धक्के धक्के ढोल रहा दे, अच्छा मैं हो जाएगी तकरार, देखा था? कल बंद भी नहीं करेगा भी लॉकडाउन में लेकर भी उसने जमा हमारी कलाकार की काइज कर दी।
बहुत दुखी बनाए दिए। हम तेरे कसम तो ही बड़े मुश्किल से प्रोग्राम खुले हैं, लेकिन कितनी पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर, सब अपना गुजारा कर रहे थे। ये महाराज ये खुली क्या प्रोग्राम है, मेहरबानी करके हमारे प्रोग्राम बदलाव कुमार साहब, जरा आपकी भाव आपका 500 रुपए जवान साहब देते हैं और गजेंद्र कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बात सुन ना, पूछे शेर खान औरत को बिछड़ाने से हर सरवाल में बात खोल मैं सारी पूछेगा जब सही बात आई, आज तेरी जो सोमवती छतराड़ी है जिसको तो पति भरता बताता है, उसकी बारी जान के अंदर काले पिल का निशान था, ये सच्चाई थी। एकदम से दम घुट गया सजरों दरबार के अंदर, नीचे नाड़ होगी बोलो जो कर। अब क्या भाई सलामत जी, ये शेर खान ने जो अभी अभी बात कही है हाँ ये बिल्कुल सच है, सच है, इसलिए शेर खान जीत गया और वहाँ आ गया। तो आपको फांसी की सजा है, तो इसी में सर जो सजा थी वो मुझे मंजूर है। तो कोई ख्वाहिश मरने वाले की, हम ख्वाहिश भी पूछते हैं। अच्छा, कुछ खाना है हा? कुछ पीना है? अच्छा, या किसी से मिलना है तो बता। ना तो मुझे खाना है हा? ना ही कुछ पीना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं हा? अगर मेरे को इजाजत देते हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं हा? तो मैं एक बार मेरी छतराणी सोमवती से मिलना चाहता हूँ। आप उसको जान से मार सकते हैं? नहीं मिल सकता, वहां जान मिल सकता, मैं हुकुम देता। क्यों क्यों क्यों, तू कौन होता भाई हुकुम देने वाला? क्यों हुकुम देने वाला मैं हूं। ये बाजी जीत चुका है अब तो मेरा हुकुम चलेगा, अब किसका हुकुम चलेगा? तो मेरे को इसलिए नहीं जाना दिया जा रहा। हाँ आप छत्री होते हैं, सोमवती खत्म कर दूंगा, उसके ऊपर हाथ कर दोगे, छतराणी की मार काट दोगे, मैं इसे भरे दरबार में आपके सामने कसम खाता हूँ। अच्छा, कि मैं सोमवती को कुछ नहीं मारूंगा उसको। क्या ठीक है? सिर्फ एक बार मिल मिल के आऊंगा उसको दूर दूर से। तो ठीक है, जा सकते हो आप, जा सकते, ठीक है, जा सकते, जल्दी आना, उससे मिल के फोन आपके पास में आ जाऊंगा उसी वक्त, और जो सजा है मुझे मंजूर है उसी वक्त आना। तो ठीक है, अब लोगो ढीले से घर पहुंचता है, कैसी सोच मिलता है। बाबा खल्लन
अब एकदम से ड्यूटी को पर पहुंचा और मंत्री से कहा, मंत्री साहब प्रणाम साहब प्रणाम अंदर जाओ। छत्राणी मंत्री क्या बात है? सरदार साहब सिंह आए हैं, नंगे पैरे हैं, नेत्र लाल है, कुछ न कुछ गुस्से में। अच्छा आ बैठो, देखिए मणि ठीक जाइए। प्रणाम महाराज। कौन से? अरे सोमोती। हाँ जी, ये क्या बेस बना लिया महाराज? अरे आराम जल्दी, जिस बात का डर था बात होगी क्या? मैंने इस बात का मेरा अंदर उतर लिया नहीं। किस बात का? मेरी बात सुन, क्या करते हो?
रसिया रसिक जी पात्र में जरूर था फिर और क्या करेंगे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता आप क्या क्या कहते हो तेरे सब लोग बोले ना मेरी बात सुनो इजाजत दी है पांच मिनट की इजाजत नहीं तो गाना भाई बिल्कुल नहीं बोला था।